आसमान पर पहुंचने की सोचो, अभी झटक तो पहुंचो, लेकिन सोचे क्यों? सोचना ही नहीं चाहते। तो अगर आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप पहुंचोगे कैसे? आप वो देखते हो, उस हीरो को देखते हो, उस पॉलिटिशियन को देखते हो, उस क्रिकेटर को देखते हो, उस नेता को देखते हो, और आपको लगता है वो तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन एक समय वो भी हमारी तरह की, उन्होंने किसी को देखा होगा कि वो हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, और इसलिए आज वो है और हम भी 100% हो सकते हैं। पहले हम बात करते थे कपिल देव की, सुनील गावस्कर की, फिर आज हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, महेंद्र सिंह धोनी की, आने वाले टाइम में हम किसी और की बात करेंगे, लेकिन एक वो लड़का होगा जो बोलेगा कि मैं बन ही नहीं सकता हूँ कभी, जिंदगी बन ही नहीं पाएगा, एक वो बोलेगा जब सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, सुनील गावस्कर बन सकते हैं, कपिल देव बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके अंदर कॉन्फिडेंस का। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, खाना खाते होंगे आप शायद, सकते अच्छा खाने के अलावा नाश्ता भी कुछ लोग करते होंगे। कभी संडे का दिन होता है तो अपन सोचते हैं कि आज घर का कुछ नहीं खाना, कुछ चटपटा खाना। तो एक चीज़ आती है चटपटी, जो आपको हम मिष्ठान में दर मिल जाएगी, समोसा का चौरी का नाम सुना होगा आपने। समोसा कितने का आता है? समोसा किसने 50 रुपये का समोसा खाया आज तक? अरे 20 का, 15 का, 10-15-20 का। तो देखो, समोसा बनाने वाला, समोसा बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर आप एक बार सीख जाओ तो। लेकिन हिंदुस्तान की एक लेडी ऐसी भी है जो कितनी पढ़ी है पहले तो मैं बता दूँ, 10वीं फेल। 10वीं फेल आप लोग जितने बैठे हो अभी 10वीं पास तो कर लोगे एक दो साल में, या कर चुके हो। वो 10वीं फेल लेडी आज अमेरिका में, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी हस्ती बन के बैठी है, और 10 सबसे ज़्यादा अमीरों में उनका नाम शामिल है। उनको सिर्फ एक चीज़ बनानी आती है, समोसा, और सिर्फ समोसे बनाते, उनका नाम है समोसा क्वीन परवीन वार। तो देखिए, हर व्यक्ति किसी भी चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। अगर आप पढ़ाई में नहीं हो, एक मूवी आई थी तारे जमीन